गला जनता नहीं चाहता दी, इस गला नहीं समझा दी, कि साढ़े आने वाली पीढ़ी की असें देखिए कि असें तो डेमोक्रेसी का मूंह दिखा संताली का बाद अस जमे असें अब तक डेमोक्रेसी ली फैडरल स्ट्रक्चर लभ्या स्ट्राइक करवाई हड़ताल करवाई। तो उम्मीद ऐसी कि देखते हुए हमने एक पीस पर काम करना शुरू कर दिया कि हम एक ऐसी रियासत में रह रहे हैं जहां रोज गोली चलती है। आज भी मैं हीरानगर का गांव है मेरा तहसील का, तो वहां पर रोज गोली चलती है हीरानगर से लेकर पहाड़पुर से लेकर कुपवाड़ा उड़ी तक 700 किलोमीटर का ये एरिया ऐसा है जहां गोली चलती है। वो 5 किलोमीटर लोग जो है वो बड़े बर्बाद हो चुके हैं, वहाँ बैंकरों में रहना पड़ता है, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, सिग्नल नहीं होता है, नेट नहीं होता है। लेकिन अब तो वो पहले उस वहाँ तक ही थी मुसीबत, अब तो हमारी जम्मू कश्मीर पूरी ही जो है वो ग्रिप में आ चुकी है जहाँ ना नेट है ना पढ़ाई है और ना ही हमारी बात सुनी जा रही है। और ख़ासकर पिछले साल जब पीस पर हम काम करते करते हम जहाँ पहुँचे कि ये बात मसला हल होने के बजाय पिछले साल इसे और बिगाड़ दिया गया, रियासत का दर्जा ख़त्म हो गया, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया और लोगों को लीडरों को नौजवानों को अरेस्ट करके जेलों में फेंका गया, बाहर स्टेटों में भेजा गया, तो उससे हमें और दुख हुआ। तो हमने इस पर एजिटेशन शुरू कर दी और वो एजिटेशन हम पहले अंदर बैठकर ही करने लगे क्योंकि लॉकडाउन जैसा सिस्टम था। फिर हमने अल्टीमेटली अक्टूबर में एक बड़ी हिम्मत की और हमने सोचा कि हम श्रीनगर जाएंगे, उसमें हमारे साथ दिल्ली से भी कुछ लोग आए, सुनीलम डॉक्टर सुनीलम है सोशलिस्ट मेरे सो है, डॉक्टर संदीप पांडे है मेगा सेसे अवार्डी वो मेरे दोस्त हैं वो भी आए। हम जम्मू से चले तो हमें पहले जम्मू में रोकना चाहा, फिर वहाँ से निकले हम बड़े तरीके से, तो फिर हम उधमपुर में फंस गए, उधमपुर ने पुलिस ने घेर लिया, फिर उधमपुर वालों ने छोड़ा कि आप इधर से निकल जाओ, तो हम ऊपर चले गए रामबन के साइड, रामबन रात काटी तो सुबह हम बनाल जा रहे थे, तो हमें पुलिस ने घेरा और गाड़ियों में डाला अपनी और जम्मू छोड़ करा। तो ये ना एक तो हमारे पर मुसीबत आ गई नेचुरल जो कहते हैं कोरोना वायरस, लॉकडाउन आ गया, बिजनेस हमारा ख़त्म हो गया, पहले से ही पिछले साल से लॉकडाउन चल रहा था, होटल इंडस्ट्री बंद है, टैक्सी बंद है, हमारे टूरिज्म बंद है, ख़त्म हो गया, फूड इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, जहाँ की मार्केटिंग बाजार यात्री अमरनाथ यात्री वैष्णो देवी सब कुछ ख़त्म होते होते जब हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो ऊपर से हमारे ऊपर टोल प्लाजे लगा दिए, जो टोल प्लाजे हमें एक किस्म का इतना जहरीला टैक्स लग रहा है कि हम बात करते भी उनसे डरते हैं क्योंकि तो वो गुंडागर्दी करते हैं। दूसरा है कि कोई नियम नहीं है आने का जाने का, आती दफा भी उतना जाती दफा भी उतना, मतलब जबरदस्ती है। नहीं तो हम देखते हैं नितिन गडकरी की एक वो स्टेटमेंट आई थी, उसने कहा था कि 12 घंटे तक एक बार अगर टोल कटाया जाए तो 12 घंटे तक कोई जरूरत नहीं है कि दोबारा टोल कटाया जाए, लेकिन है कि वो कोई नहीं मानता, जबरदस्ती करते हैं। इसलिए हमने और फिर से जो सरकार इस वक्त सेंटर में हुकूमत में है उसके जो जहां नेता होते थे वो कहते थे कि यूटी में हम लगने नहीं देंगे, तो जब यूटी में टोल प्लाजा नहीं लगने देंगे उसका प्रेसिडेंट के पास लोग जाते हैं तो वो कह देता डोगरी में ही कहता मैं इतने बैठे रहा कोई डर है कि तुझे मैं बैठे रहते बैठे रह की है टैक्स चला रहा है और टैक्स जरा अनजस्टिफाइड है कि 20 किलोमीटर सरना लगेगा सरना बाद लखनपुर लगी है लखनपुर से 55 किलोमीटर सरोर सरोर तो 40 किलोमीटर बन बन तो अगर फिर लग्या नाशरी नाले पर, लेकिन यह क्योंकि नियम कोई नहीं। और साड़ी कठुए भी मूवमेंट चला दी है, कठुआ असें जिस वे डायरेक्टर प्रोजेक्टर जरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर जरा अथॉरिटी का वो गल की डीसी दफ्तर बेहिए तो आता यह साड़ी मर्जी है नेशनल हाईवे की मर्जी है, अस 20 किलोमीटर भी लाई सकते 40 पर भी लाई सकते 50 भी लाई। फिर मैंने पूछा कि DPR असली क्यों नहीं लागू होया, फिर चुप हो जाते कि DPR पैसा खाई लिया, इन्हें फ्लाईओवर नहीं बनाए, इन्हें CCTV कैमरे वाले टावर नहीं लगाए, इन्हें लाइटा नहीं लगाइया, जो सारा पैसा खाई लिया इन्हें, हूँ उसके बाद दोबारा आखते हूँ नवा मुड़िया बजट बनेगा नवा DPR बनग उद लगे। इस वास्ते ये उस कानूनी तौर पर ये कमजोर न और इस कानूनी तौर पर जो जनता जी है जायज़ है जस्टिफाइड है कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस वास्ते असें कि इस गेड़े लॉकडाउन च भी असें काम करना पे, लेकिन है कि पुलिस भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी डिवाइडेड है। मैं असें कठुआ दिखाया कि अस धरना मारन गए तो पुलिस ने असें अड़चन पाई, मिगी अरेस्ट भी किया,
और अरेस्ट करने के बाद मुझे फिर उन्होंने ले गया थाना में। जब मैं दूसरे रोज डीसी को मिले हम, तो वह कहते मैंने तो नहीं कहा था, आप लगा सकते हो, ये तो आपका डेमोक्रेटिक राइट है। तो कहने का मतलब है कि वो डंडा भी चला लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, कोई पता नहीं चल रहा है इस वक्त। और एक आदमी हमारा एक एक्टिव वर्कर है नौजवान यूथ, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर आया था, उसको मिलने गया, पहले उसे नेगेटिव रिपोर्ट मिली, जब वो अंदर जाकर बैठ गया था, दो आदमी आए उसके पास, वो कहते बाहर आ एक मिनट, जब वो बाहर गया बोलते उसको पकड़ा बाजू दोनों साइडों से और नीचे लेके कि तू तो पॉजिटिव है। देखो जी, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं साफ बातों में आपसे बात करूंगा कि दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू की है, जम्मू कश्मीर की, वो एडमिनिस्ट्रेशन पीएमओ ऑफिस से चल रही है। जो एमपी है हमारा यहाँ जितेंद्र सिंह, वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जहाँ, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो डीसी है, क्योंकि पीएमओ ऑफिस में डीओपीडी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स, वो सारे आईएएस ऑफिसर उनके अंडर आते हैं, वो उनके मुताबिक चलते हैं। और वो उनको अगर मर्जी करती है कि आज इसको अंदर कर दो, तो वो अंदर भी कर सकते हैं, आज इनको उठा दो, भगा दो, तो वो भगा देंगे। इसलिए ये ऑफिसर सारे कठपुतली बने हुए हैं। और दूसरा जो है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर पैसा है, टोल प्लाजा में 14 लाख तो उसको सरकारी जमा कराना पड़ता है ट्रेजरी में, तो 14 लाख रोज का अगर सरकारी जमा होता तो होता कितना होगा वो, और उसमें वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व कर देते हैं। इसमें कोई झूठ बोलने वाली तो बात है ही नहीं है कि सच्चे सुच्चे सारे हमारे ऑफिसर हैं इस वक्त, कोई आरटीआई नहीं चलता, कोई सीबीआई नहीं रही, कोई सीजीए नहीं चलता, कोई किसी पर कोई 6 साल से किसी आदमी को पकड़ा ही नहीं गया, इसका मतलब कोई रामराज्य आ गया है जहाँ पर कोई आदमी जहाँ पर आज करप्शन, हमें तो ढीले उसमें वो बनाना डोमिसाइल बनाने के लिए 5-5 हज़ार रुपया खर्च हो रहा है लोगों का, उसका कागज लेने के लिए खर्चा होता है। अगर डोमिसाइल के लिए इतना पैसा लगता है खर्चा तहसीलदार और पटवारी और गुरदावर के पास, तो वहाँ पर कितना लगता होगा। इसलिए ये करप्ट है, और करप्शन के भ्रष्ट सरकार होने के नाते भ्रष्ट कर्मचारी भी। एक तो ये है कि ये अभी रोड उस तरीके से बना ही नहीं है, आप शायद बाहर भी गए होंगे चंडीगढ़, जहाँ जहाँ भी नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं पूरे रोड पर, कोई एक्सीडेंट हो तो पता चल जाता है, जहाँ पर लखनपुर से लेकर जम्मू तक या उधमपुर तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, कोई टावर ही नहीं लगा, जहाँ पर लाइटें नहीं लगी, जहाँ पर रेलवे ब्रिज हैं तीन, एक सुजानपुर में है, एक सांबा में है अभी, और एक कोजवाणी में है, उस रेलवे ब्रिज के नीचे अभी तक सिंगल रोड है, और 2 किलोमीटर इधर से भी रोड पड़ी है कच्ची, और 2 किलोमीटर से उधर से भी, 4-4 किलोमीटर रोड अभी कच्ची पड़ी, उसका फैसला ही नहीं हो सका 20 साल से कि इस रोड को बनाना है या नहीं बनाना है, इसका मतलब वो भी इनकम्प्लीट है। फिर इस पर रोड पर जो फ्लाईओवर बनने थे, क्योंकि ये रोड इन्होंने जो की थी उस वक्त, इन्होंने कोई अड्डे खाली नहीं करवाए, इन्होंने ये प्लान बनाया था कि जहाँ जहाँ भी अड्डे आएंगे वहाँ पर हम फ्लाईओवर बना लेंगे, और जब फ्लाई सड़क बनाने लगे तो फ्लाईओवर के डीपीआर के नक्शे में वहाँ चौक कहीं नहीं है, डाले चाकू कोई चौक नहीं, छुड़वाल मोड कोई चौक नहीं, सांबा में कोई चौक नहीं, जहाँ जहाँ पर इनको सड़क में डीपीआर चौक था वहाँ पर उन्होंने कूटा मोड़ में खुली कर दी, चढ़क गोवाल में खुली कर दी, लेकिन जहाँ पर बहुत तंगी है हटली मोड़ में हमारा इंडस्ट्रियल वो स्टॉप है, इंडस्ट्रियल में वहाँ पर 150-150 फुट लंबा ट्रक लगा होता है और वो मोड़ नहीं काट सकता, चौक ही नहीं है, लोग एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए ये सरकार रोड और पानी इतना इतना खड़ा होता है कि उसका पानी का निकालने का तरीका नहीं बनाया है, इसलिए रोड अनफिट है जे टोल प्लाजा लगे। हम यही तो एक इनकी बीजेपी के वाले के लोगों का हम सवाल उठा रहे हैं कि आप कहते थे कि जूटी में टोल प्लाजा नहीं लगेंगे, हम कहते हैं आप उठाओ इनको, तो फिर चुप हो जाते हैं, फिर स्टेटमेंटें आ जाती हैं कि डेवलपमेंट करनी है, जूटी के टोल प्लाजा से डेवलपमेंट होगी। दो ही तरीके इन्होंने ढूंढे जहाँ पर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के, एक शराब खोली जाएगा और उसको लाइसेंस खूब खोल दे रहे हैं, और एक यूटी लगा लिया, दो किस्म का टैक्स इकट्ठा करके लोग डेवलपमेंट का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस बार मुझे लोग ये भी कहते हैं कि आप एक बात की बार एक तरफा कर देते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जम्मू कश्मीर वाले लोगों से जिद होती है ना इस केंद्र सरकार को, कि इनको बड़े पावरें मिली हुई थी, अब इनको पूरा मजा चखाना है, हमें पूरा मजा चखाया जा रहा है। अभी तक 2014 से जो बाढ़ आई थी कश्मीर में, वह अभी तक रिहैबिलिटेशन का पैसा नहीं लगा है, हमारे मकान इधर गूड़ वगैरह एरिया में 10 गए थे उसी बारिश में, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। इन्होंने नौकरियों का वायदा किया था, नौकरी कोई नहीं मिली है,
इन्होंने कहा था कि हम सभी को पक्का कर देंगे, इन्होंने पक्का नहीं किया है। इन्होंने कहा था हम टूरिज्म जम्मू में 6 साल इन्होंने बीच में हुकूमत भी की 3 साल, गुंटोला एक लगना था माता बावे की तरफ से पीरखो की तरफ, अभी तक गुंटोला नहीं लग सका। इन्होंने तभी में एक आर्टिफिशियल झील बनाने का सपना देखा था, उस पर सिर्फ पिलर खड़े कर दिए, 6-8 साल से अभी तक वो पानी नहीं, वहाँ एक इंच पानी इकट्ठा नहीं कर सके हैं। तो वो टूरिज्म कहाँ बनेगा? जम्मू शहर में रेल चली गई कटड़ा, जम्मू शहर वालों को तो अब यात्री भी नहीं दिखाई देता है, वैसे तो अब साल से तो वो किसी को नहीं दिखाई दिया, लेकिन है कि पहले भी ये साल से पहले भी रेल जब से कटड़ा जा रही है तो जम्मू शहर में तो रहता कोई नहीं है, तो जम्मू में एक भाग्य बहु बना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर चले जाते हैं, सैर करने की कोई जगह नहीं, गुटोला कोई जगह नहीं, झील कोई नहीं, स्पोर्ट्स पानी की स्पोर्ट्स कोई नहीं, दूसरी स्पोर्ट्स कोई नहीं, कोई बाहर एरिया है हमारा जम्मू का खूबसूरत, पत्नीटॉप बनी सरथल भद्रवाह वगैरह, वो वहां तक कोई टूरिज्म हट तक नहीं है कि रात को कोई ठहर सके। इसलिए इन्होंने जहां डेवलपमेंट का तो कोई पन्ना ही काट दिया है, बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हैं। हम तो ये समझते हैं बिल्कुल एक किस्म जिद्दबाजी ली जा रही है कि देखते हैं कितना बोलते हैं, बस यही है कि हमने कठुआ में 2 महीने इसको मोबिलाइज किया है, उस पर वो वहां पर उन्होंने दमनकारी नीति बताई, इसलिए हमने सोचा कि जब तक हम अकेले लगे रहेंगे तो इससे नहीं होगा। तो जब हमारे जो सांबा के साथी थे उन्होंने कहा कि इसे आगे बढ़ाएंगे हम, और उन्होंने साथियों ने फैसला किया कि आप जहाँ तक पहुँचाएंगे हम, फिर जहाँ से लेकर आप जम्मू जाएंगे, जम्मू से आगे भी बढ़ेंगे। अभी अखनूर का प्रपोजल है इनका टोल प्लाजा लगाने का, इनका रिंग रोड पर प्रपोजल है रोड टोल प्लाजा लगाने का, अभी ये बड़ा काम करेंगे, अगर रोकेंगे नहीं हम तो, ये तो हमें खून चूसने वाला काम तो इनको झुक जैसे लग गए हैं, ये तो झुक जाएंगे।